क्या आप यूट्यूबर हो, क्या आप व्लॉगर हो, क्या आपके व्यूज रुक चुके हैं, क्या आपके सब्सक्राइबर एक जगह पर रुक चुके हैं, क्या आप पिछले 5-6 महीने से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और एक भी बार आपका पेमेंट नहीं आया, यहाँ तक कि आपका मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं हुआ। तो ऐसे कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा दूसरी दिशा में जाने वाला है, जिसके अंतर्गत मैं आपको आज अपना पूरा एक्सपीरियंस दूंगा दोनों चैनलों के माध्यम से। एक मेरा म्यूजिक चैनल जिसपे कि 1,28,29,000 समथिंग कुछ सब्सक्राइबर हैं, और ये व्लॉग चैनल जिसपे मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, ये भी लगभग लगभग ठीक ठाक ही चल रहा है। तो ऐसे कई सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, मेरा नाम है सुमित और मेरे चैनल का नाम है केदारनाथ वाला। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है भैया कि आपके पास कौन सा मोबाइल, कौन सा कैमरा हो व्लॉगिंग शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पहले दिन YouTube पे आते हो, आपने आज से पहले कभी भी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, आपको कोई तजुर्बा नहीं है, तो आपके पास अगर मैं कैमरा भी दे दूँ लाखों का, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, डेली वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि धीरे धीरे मेरा बोलने का तरीका, मेरी स्टाइल, मेरे कुछ अदाएँ मान के चलें, वो इम्प्रूव हो जाएँ धीरे धीरे करके, एकदम से वो स्माइली फेस आ जाए। वो अचानक से नहीं आता है। आप देख लेना, जितने भी व्लॉगर हैं, जो बड़े टॉप व्लॉगर हैं, उन सभी के पहले से ही कुछ अदर चैनल हैं जहाँ से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, और जब सीख गए तब जाके उन्होंने तीसरा या चौथा चैनल ग्रोथ किया है, और उसी से वो लोग आज काफ़ी टॉप पे हैं। तो ये मान के चलें, सीखना सबसे पहले है, अपनी क्वालिटी बढ़ाना, अपनी क्वांटिटी बढ़ाना, ये दोनों चीज़ें सबसे पहले मायने रखती हैं अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं। अगर मैं ये सोचता हूँ कि पहले ही दिन मेरे पास कैमरा हो, अच्छे अच्छे गैजेट्स हों, तो भाई मैं YouTube कभी भी नहीं चला पाऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आपका एंड्रॉयड फ़ोन ही बहुत है व्लॉगिंग शुरू करने के लिए। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते जाओगे, सीखते जाओगे, एक्सपीरियंस आता रहेगा, वैसे वैसे आप धीरे धीरे गैजेट्स भी खरीद सकते हो YouTube से कमा कर। ठीक है, एकदम से ना खरीदें, ये बड़ा ही पेचीदा और बेकार सा निर्णय होगा अगर आप ऐसा करते हो। ठीक है, अभी आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरी बात ये है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो कई लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि मैं बैक कैमरे से शूट करूं या फ्रंट कैमरे से शूट करूं। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिएगा। अगर आप बैक कैमरे से शूट करते हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको लेंस पे देखकर बोलने की आदत आ जाएगी, और साथ साथ आप ये भी जान पाओगे कि किस तरीके से जब मैं बोलता हूँ, अपने फेस को कर्व करता हूँ, मोड़ता हूँ, घुमाता हूँ या स्माइल करता हूँ, तो वो कैसे आती है विदाउट स्क्रीन के। ये बहुत बड़ी बात है, शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपको बताई होगी। व्लॉगिंग करने के लिए आपके चेहरे में सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे होना चाहिए। क्रेजीनेस भी नहीं होना चाहिए, या फिर आपका चेहरा ज़्यादा ही हंस रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ हिसाब से, अति का भला न बरस, अति की भली न दू, जानते हैं आप। तो वो चीज़ आपको आ जाएगी बैक कैमरे से। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे से, जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए। फ्रंट कैमरे से व्लॉगिंग करने में आपने काफ़ी लोगों के वीडियो देखे होंगे, लोग बोलते हैं कि लेंस पे देखो, जबकि ये बहुत गलत है। अगर आप फ्रंट कैमरे के लेंस पे देखोगे तो आपको कुछ अजीब सा ही लगेगा। देखो अभी मैं आपको देख रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे लेंस को देख रहा हूँ, तो बताइए कौन सही लग रहा है। ये मैं अभी लेंस पे देख के बात कर रहा हूँ, और ये मैं अभी अपनी आँखों को देख कर बात कर रहा हूँ। तो बोलने वाला भी मैं, देखने वाला भी मैं। तो यही चीज़ वीडियो बनने के बाद भी होगी। जब आप फ्रंट कैमरे से वीडियो शूटिंग करते हो तो अपनी दोनों आँखों को देखें, अपने ही चेहरे को स्क्रीन पर देखें। स्क्रीन का देखने का मतलब ये है, स्क्रीन पे अपनी फोटो पे आंखों पे देखें तो आई कांटेक्ट बिल्कुल बना रहेगा। अगर आप लेंस की तरफ देखते हो तो देखो ये थोड़ा सा अजीब सा ही दिख रहा है कि कहीं और दिख रहा है। तो ये चीज़ है, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि लेंस पे देखें फ्रंट कैमरे पे, तो बिल्कुल गलत गलत, एकदम गलत। आइएगा अब बात करते हैं सीरियस टॉपिक की। सीरियस टॉपिक है कि आपके व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर जो थे वो तो है ही, लेकिन वो भी घट रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी वीडियो डाली जो लोगों को पसंद आई, या आपने कोई वीडियो डाली उसका नोटिफिकेशन मेरे पास आया, मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगी, मैंने आपको सब्सक्राइब किया, ठीक है। अगले दिन आपने दूसरी वीडियो डाली, उसका नोटिफिकेशन भी मेरे पास आया, मैंने देखा यार इस वीडियो में तो कोई मजा नहीं है, उस दिन मैंने अनसब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन लगातार जब आप 2-3-4-5 वीडियो ऐसी डाल देते हो जिसने आपकी एक वीडियो देखकर सब्सक्राइब किया था, तो वो बंदा क्या कर देता है, आपको अनसब्सक्राइब कर देता है। और अनसब्सक्राइब होने का एक और कारण भी है, कई जीमेल करप्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, किसी का फ़ोन टूट जाता है, कोई नया बना लेता है, डेड हो जाते हैं जीमेल।
तो उससे भी सब्सक्राइबर कम होते हैं। अब जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सीरियसली लेना आप लोग। व्यूज क्यों घट जाते हैं, व्यूज कम क्यों हो जाते हैं, इसके ऊपर आपको 3-4 बातें बताऊंगा, तो फटाफट से आप समझ लेना। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन मैं कम समय में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपने एक वीडियो डाला, यूट्यूब ने 10 लोगों को भेजा, अगर 24 घंटे के अंदर आप दूसरी वीडियो नहीं डालते हैं तो यूट्यूब 10 लोगों को नहीं बजाय 5 लोगों को भेजेगा। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमको डेली वीडियोस पब्लिश करने हैं, या वीकली जो भी आप वादा करते हो अपने सब्सक्राइबर से, अपने व्यूअर से, उनको वो चीज़ ज़रूर दें। अगर आप वीकली 2 डालते हो तो 2 ज़रूर डालें, ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया है। तो इम्प्रेशंस बहुत काम करता है व्यूज़ लाने के लिए, और इम्प्रेशंस बढ़ाने के लिए डेली वीडियोज़ डालनी पड़ती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इसी के अंतर्गत आती है, वो है टाइमिंग। आपका एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए वीडियो पब्लिश करने का, यानी कि आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को देख पाते हो कि मेरी वीडियो किस टाइम पे ज़्यादा देखी जा रही है। बाकायदा ये चीज़ें यूट्यूब एनालिटिक्स में दिख भी जाती हैं कि किस टाइम पे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो आप उस टाइम पे अपना वीडियो पब्लिश कर सकते हैं, अपना सही टाइम चुन सकते हैं। इसमें होता ये है कि आपके व्यूअर, आपके सब्सक्राइबर आपकी वीडियो का वेट करते रहते हैं कि इतने बजे वीडियो आएगा, तो टाइमिंग में ज़रा भी हेर फेर नहीं करना है, ठीक है। इसी के अंतर्गत तीसरा पॉइंट और है व्यूज़ बढ़ाने के लिए, आप स्मार्टली वर्क करें, चालाकी से काम करें, आपको बेकार काम नहीं करना है। बेकार काम का मतलब आपका थंबनेल कुछ और बता रहा है, आपका टाइटल कुछ और, तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जो चीज़ आप टाइटल में लिखते हैं वो थंबनेल में भी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी होनी चाहिए और टैग में भी होनी चाहिए। वैसे ये चीज़ें उतनी ज़्यादा काम नहीं करती हैं, मुझे तो जहाँ तक लगता है वायरल वीडियो को देखकर, कि थंबनेल अच्छा हो और वॉच टाइम हो, बस इसी से वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो शुरुआती आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, स्मार्ट काम करना चाहिए, चालाकी के साथ काम करना चाहिए, ऐसा कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक, ऐसे कुछ टैग जो कि ट्रेंड में हो, वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। एक और बात जो कि आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है, अगर आप व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, शुरुआती व्यूज़ कम ही आते हैं तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है कि मेरे 5 व्यूज़ आ रहे हैं, 6 व्यूज़ आ रहे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यू काम करते रहें। व्यूज़ अगर कंटेंट अच्छा होगा आ ही जाएंगे, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ें, एक एक सब्सक्राइबर जोड़ें, फेक सब्सक्राइबर से अच्छा है लोगों के मोबाइल पकड़कर खुद अपना चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा है कि किसी को बोलो ही मत कि मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, कहीं बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ 10 व्यूज से अच्छे हैं एक इम्प्रेशन का व्यू, इम्प्रेशन मतलब जो YouTube ने सजेस्ट किया वहाँ से आया हुआ एक व्यू यहाँ के 100 व्यूज से बड़ा है, याद रखना। आपके क्लिक बेट के 1000 सब्सक्राइबर कम हैं यूट्यूब का, अगर सजेस्ट के द्वारा किसी को वीडियो दिखाया गया वहाँ से एक सब्सक्राइबर आपको मिलता है तो वो 1000 सब्सक्राइबर के बराबर है, याद रखना। तो ऐसा कुछ एल्गोरिदम काम करता है यूट्यूब का। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि मैं देख रहा हूँ अपने दोनों चैनलों से, मैंने काफ़ी लोगों को ग्रोथ होते हुए देखा है, तो वो क्या चीज़ है उसके बारे में बात कर लेंगे। और काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, 2017-18 से मैं यूट्यूब पे हूँ, आप देख सकते हैं ये मेरा सुर लहर चैनल जो दूसरा चैनल है जिसमें कि मैं म्यूजिक वगैरह सिखाता हूँ, ये म्यूजिक का इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे, तो इसके माध्यम से भी मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि काफ़ी नॉलेज हो चुका है भाई, बहुत सारे प्रयोग मैंने किए कि कैसे वीडियो वायरल होगी, क्या होगी। आप देखना लोग क्या करते हैं, दूसरों का टाइटल कॉपी करते हैं तो लोग समझते हैं कि उस टाइटल पे व्यूज आए तो मेरे भी आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी का भी टाइटल आपको कॉपी नहीं करना है। आप देखना YouTube पे क्या जो टाइटल वायरल हुए हैं क्या वो YouTube पे पैदा हुए, सोचो छोटी सी बात है, आप खुद सोचो क्या वो वहीं पैदा हुआ, नहीं हुआ ना, वो भी किसी ने फर्स्ट में पहले टाइटल बनाया होगा फिर वो वायरल हुआ, अब आप उसकी कॉपी कर लो। हमेशा याद रखना YouTube पे वो वीडियो वायरल होता है जिस पे नया टाइटल हो, नया टाइटल बनाओ खुद से, सोचो थोड़ा रिसर्च करो कि लोग आजकल क्या सोच रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक आपको ढूंढने होंगे। मान लीजिए अचानक से JCB की खुदाई बीच में चल रही थी तो उस टाइम पे अगर आप JCB के कुछ बातें बताते या कुछ वीडियो बनाते तो वो वायरल हो जाती। बीच में वो लखनऊ गर्ल थी जो थप्पड़ मार वाली गर्ल थी, उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाते वो भी वायरल हो जाती। जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उनको अपनी वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करें, 2-4 शब्द अपनी तरफ से बोलें या कोई वायरल है, जैसे कि जोगिंदर के ऊपर वीडियो बना दो आप अभी, आपकी वायरल हो जाएगी। अभी टाइटल में लिख देना यो थारो भाई जोगिंदर और उसको रोस्ट कर लो आप, उस पर कल तक 20 या 25 हज़ार व्यूज आ जाएंगे एक ही दिन में, ये भी मैंने कम बोल दिया, ज़्यादा ही आ जाएंगे।
तो ट्रेंडिंग टॉपिक भी काफ़ी मायने रखता है और मैंने बहुत लोगों को ग्रो होते हुए देखा है, इसलिए मैं कंटेंट पे ध्यान देता हूँ ना कि पैसे पे ध्यान देता हूँ कि कब पैसा आएगा। कंटेंट पे ध्यान दें, अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, धीरे धीरे ही बढ़ती है। देखो लोग कैसे करते हैं, हेलो गाइस, ये वो बोलने का तरीका, हम लोग बोलते हैं ये पागल हो गया, लेकिन वो पागल नहीं है, पागल हम लोग हैं जो उनको देख के कुछ भी बोल देते हैं, कॉमेंट्स करते हैं लोगों, हम लोग ज़्यादा पागल हैं। वो तरीका जो वो बोल रहे हैं, वो तरीका कम से कम 5-6 साल तक जब उन्होंने लगातार वीडियोज बनाई है, तब जाके वो क्वालिटी उनके ऊपर आई है। देखो जैसे मैंने शुरू में फर्स्ट में कहा था कि फर्स्ट में अगर आपको मैं 2 लाख का कैमरा दे दूँ, 2-3 लाख का आपके पास ग्राफिक पीसी दिया जाए जिस पे 40,000 के पास ग्राफिक ही ग्राफिक हो, फाइनल कट प्रो दिया जाए, 25,000 का एडिटर आपको दिया जाए, आपके पास बड़े बड़े एडिटर रखे दिए जाए, लेकिन वीडियो वायरल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी आपकी, वो सोच आपकी अभी उतनी इम्प्रूव हुई ही नहीं है। ठीक है, तो आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी देखें धीरे धीरे, मेरा पहला व्लॉग देख लेना आप, मैं ऐसे बोल रहा था नमस्कार मैं केदारनाथ से, ये वो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें देखो धीरे 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 इम्प्रूव हो जाती हैं। आप UK07 राइडर जो हमारे भाई हैं देहरादून से, उनके वीडियो देख लीजिए आप, फर्स्ट के वीडियो, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। सौरभ जोशी को देख लीजिए आप, उनकी भी पहली जो वीडियोज़ हैं, उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। तो मैं यही बोलता हूँ कि जब आदमी सीखता है, धीरे धीरे सीखना जब चालू हो जाता है और सीख लिया जाता है, उसके बाद व्यूज आने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन आया मेरा व्यूज आ गया। तो आज की वीडियो में बस यही ज्ञान मैंने दिया है आपको कि यूट्यूब के लिए सबसे पहले मेहनत और इम्प्रूव, अपनी क्वालिटी बढ़ाने से और अच्छा अच्छा कंटेंट देने से ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और थोड़ा बहुत लक भी काम करता है। ठीक है, लक हमेशा काम करता है। बाय बाय।